आप कोई चीज खाते पीते हैं, सावन का महीना होता है, और एक हिंदू होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि सावन के महीने में पवित्रता का मूल्य क्या होता है। ठीक वैसे ही, पहली बार सावन का महीना आया है, मेरी बात सुनिए ना रिजवी साहब, रिजवी साहब, ठीक उसी तरीके से जैसे जब आप रोजे रखते हैं और उस रोजे में सुचिता क्या होती है, जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो उससे पहले वजू करना क्यों जरूरी होता है, ठीक जो सेंसिटिविटी के साथ मैं आपके धर्म को समझती हूं, इस बात की उम्मीद करती हूं कि हिंदू धर्म की सुचिता पवित्र हो, आप समझे कावड़, तो इसमें समस्या क्या है मुझे ये बताइए। कावड़ियों को स्वागत, मैं जो कंज्यूम कर रही हूँ, मैं जो खा पी रही हूँ वो साफ सुथरा हो, ये मुझे तो गारंटी लेनी होगी ना अपनी, मुझे तो इस बात की गारंटी लेनी होगी ना सर। गारंटी लीजिए सिंह साहब, सुन लीजिए कैसे गारंटी लेंगे ये बताइए। सुनिए सिंह साहब, कैसे गारंटी लेंगे बताइए, नहीं है पूरी ये पूरा देश जो लोग के और ये कह रहे हैं कि ये कोई पहली बार थोड़ी कांवड़ यात्रा निकल रही है, ये तो निकलती आ रही है, मतलब अगर जो पहले नहीं किया अब आप उसको करिए, करने की कोशिश भी मत करिए, सफाई आप नहीं करवा पा रहे। देखिए जो साफ कर जो काम करने का दिल्ली में जमुना है, आप जाके देख लीजिए जमुना की हालत, उसकी सफाई तो आपसे हो नहीं पा रही है, ठीक है। अरे सर फिर वही बात, गंगा जो है फिर खाने में थूकने की नौबत तो नहीं आएगी ना, नहीं नहीं नाले जो है खाने में थूकने की नौबत तो नहीं आएगी ना रिजवी साहब, पूर्णिमा जी मैं बोल रही हूँ, उसको खाने में थूकने की नौबत तो नहीं आएगी ना, पूर्णिमा जी थूकता जो थूकता वो क्राइम है, बोलिए सिंह साहब, हिंदू और मुस्लिम कोई हो क्राइम है वो, गंगा साफ कीजिए, गंगा माता जी मैंने एक बार कहा था, ठीक है पूर्णिमा जी है क्या, रुकिए रुकिए सिंह साहब को जवाब देने दीजिए, सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिए, है क्या। देखिए मैं अपने मित्र को एक कहना चाहूंगा, अच्छी बात आपने कहा, राम का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, हम रहीम का नाम लेते हैं, हम रसूल का नाम लेते हैं, मल्ला का नाम लेते हैं, लेकिन होता क्या है, जब हम कहते हैं कि नहीं राम बड़े हैं रसूल नहीं बड़े हैं, तो आप गला काट देते हैं, हम उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, हम आपके बारे में नहीं कह रहे, हम कश्मीर से उस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, धर्म के बारे में नहीं कह रहे, जो चपका करता है कि नहीं हमारे धर्म को अपना हम भी आपकी बात थोड़ी कर रहे हैं, जो जय श्री राम का नारा लगा करके लिंच कर देते हैं, हम उस बात को कह रहे हैं, भगवान राम ने तो सिखाया नहीं, जो लिपस्टिक में भी हम सब परम धर्म, अब लिंचिंग जो है वो धर्म सेंट्रिक आ गई रिजवी साहब, है ना, धर्म हमें पता है, लिंचिंग अब धर्म सेंट्रिक आ गई, तो कुर्बानी भी अच्छी अच्छी बात है, लिंचिंग करने वाला कौन, कर्म और धर्म, साधुओं की लिंचिंग करने वाला कौन, एक सेकंड सिंह साहब, अब आपके ऊपर चढ़ गया एक एक धर्म का चश्मा, अब आप उस लिहाज से लिंचिंग गिना लीजिए, अभी मैं आपको लिंचिंग की तस्वीरें दिखाना शुरू करूं, कल की एक तस्वीर है सर, हाथ काट दिया, जान से मार दिया सर पे, रॉड मार मार के, किसने किया पता करिए जरा, किसने किया, क्राइम किया, बोलिए सिंह साहब, तो फिर आप उसको मत लेकर आइए ना, लिंचिंग को आप लेकर आए ना सर, आप लिंचिंग को लेकर आए ना, यहाँ पर बात उन्होंने कहा, साहब आप कैसे नहीं समझ रहे हैं, आप जो रोजे रखने वाले व्यक्ति हैं वो उस शुचिता और पवित्रता को कैसे नहीं समझ रहे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है सर, पवित्रता को बहुत ताज्जुब हो रहा है मुझे, ये पहली बार कांवड़ यात्रा निकल रही है, पूर्णिमा जी बताइए पहली बार निकल रही है, नहीं तो क्या करें फिर उसको कंटिन्यू करते रहे, फिर उसको कंटिन्यू करते रहे, उसमें कोई बदलाव कोई सुधार का प्रयास ना करें, बिल्कुल बदलाव करें, कोई सुधार का प्रयास नहीं करें, लेकिन ये हार के बाद पूर्णिमा जी ये शिकस्त के बाद, बोलिए सिंह साहब, ठीक है सर जल्दी से जल्दी से एक एक काउंटर लूंगी फिर समय खत्म होगा, मैं रिजवी साहब से एक बात पूछना चाहूंगा, रिजवी साहब देखिए सावन के महीने में हिंदू धर्म के लोग मीट मांस नहीं खाते हैं, आपके धर्म में खाते हैं, स्वतंत्रता है आपका, ही मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, शॉर्ट रखेंगे, लिखा हुआ है कि यहाँ पे सुअर का मांस है, हम खुले तौर पर आपको कहते हैं आपके धर्म में नहीं है ना हुए तो आप नहीं खाएंगे, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम तो ये तो भाईचारा भी बढ़ जाएगा, वो तो होना ही नहीं चाहिए, तो सिंह साहब मैं भी मजहबी आदमी हूँ और चक्रपाणि महाराज जी बैठे हैं उनसे मेरी बातचीत, एक मिनट सुन लीजिए, अरे बात हो गई पूरी, पूरी रामायण पर सुनाइए, एक मिनट मैं जो कर रहा हूँ बारे में सुन तो लीजिए, आतंकवादियों के बारे में बताइए, अभी कश्मीर में 5 दिन पहले आतंकवादी घटनाएं होती है और 5 लोग जो गिरफ्तार होते हैं और मारे जाते हैं, 5 एक धर्म के होते हैं, हम तो धर्म को नहीं मानते, हम नहीं मानते कि मुस्लिम धर्म के लोगों ने ऐसा किया, हम ये मानते हैं कि वो दूषित व्यक्ति था जिसकी मानसिकता दूषित थी, जो इस तरह की घटना को अरे आतंकवाद से सबसे ज्यादा तो हम लड़ रहे हैं, हम 1400 साल से लड़ रहे हैं, कर्बला में सबसे बड़ा आतंकवाद हुआ, यजीदी सबसे बड़ा आतंकवादी है, अलकायदा जो है सबसे बड़ा आतंकवादी, तालिबानी जो है सबसे बड़ा आतंकवादी, आप जो बात कर रहे हैं बड़ी विडंबना नहीं हो सकती है, फिर तो वही है ना सर, गुलामी की जंजीरें, धर्म के नाम पर गुलामी की जंजीरें,
जंजीरें डाल दीजिए या जाति और पंथ के नाम पर डाल दीजिए। जी मैं एक बात, फिर तो ये वही जंजीरें हो गई ना सर। मेरी आखिरी बात, श्रीवास्तव जी कह रहे थे मैं खाद विभाग में, अरे साहब जरा जल्दी से इसको शॉर्ट रखेंगे सर, प्लीज बीच में एक दूसरे के मत बोलिए ताकि बोलने का मौका सबको मिले। सिंह साहब 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात को पूरा करिएगा। पूर्णिमा जी देखिए, हमारे कपिल श्रीवास्तव जी इसलिए कह रहे थे कि उनकी सरकार में जाति देखकर विकास, धर्म देखकर कार, धर्म देखकर बिजली, धर्म देखकर बहुत सारे कार्य होते थे। हाँ। नहीं तो उनको बताना चाहूंगा कि जो बीच में नहीं बोलेंगे सर, रुकिए, उनको भी नाप तोल वाले जाकर देख सकते हैं कि भैया आप क्या बेच रहे हैं, आपका बटकरा कैसा है। और जहाँ पे फूड प्रोसेस, चूंकि मैं फूड प्रोसेसिंग में 5 साल मीडिया एडवाइजर रहा, जो फूड प्रोसेसिंग का कार्य होता है वह उसमें कोई जहरखोरी ना हो, वो भोजन करने के बाद कोई विषाक्त न हो, कोई मर न जाए, तो सरकार, भारत सरकार ये अधिनियम बना चुकी है। जल्दी से काउंटर अभय जी, अपनी पहचान बता, जल्दी से काउंटर अभय जी, अरे मेरी बात और टाइमर रखेंगे। आती हूँ सर, आऊंगी आपके पास मैं रिजवी साहब, ट्रेन नहीं छूट रही है सर, आऊंगी मैं आपको 30 सेकंड दूंगी अभय जी, जल्दी से 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे अभय जी के लिए। मैं बता तो देते पूर्णिमा जी, कोई बात नहीं सर, बता दीजिएगा अभय जी जल्दी से। पूर्णिमा जी देखिए इस अलौकिक सत्ता ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में सबक सिखाया, अभी बद्रीनाथ में सबक सिखाया, सालासर बालाजी में, खाटू श्याम में, रामेश्वरम में उन्होंने सबक सिखाया, उत्तर प्रदेश में 27 में इस लोक की जनता सबक सिखाएगी। यही ध्रुवीकरण धार्मिक सांप्रदायिक जाति का जो करेंगे तो यहाँ 27 सीटें रह जाएगी उत्तर प्रदेश में। वो मंगल सूत्र, मटन, मछली, ये मुजरा, इसी का परिणाम हुआ है। ठीक है कपीर जी, 20 सेकंड सर प्लीज। देखिए बहुत स्पष्ट की बात है कि ये आदेश सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल 17 का उल्लंघन है, 21 का उल्लंघन है, 14 का उल्लंघन है, और सरकार को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो गैर विधिक हो। या तो उसके लिए पहले कानून पारित कीजिए, फिर इस तरह के आदेश। ठीक है दानिश साहब, अपनी बात रखेंगे 20 सेकंड सर। देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिस तरीके से ये विभाजनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान काबिज सत्ता में जो लोग बैठे हैं, योगी सरकार ने ये जो नीति बनाई है, मुझे लगता है ये विभेदकारी नीति है, ये समाज को बांटने वाली नीति है, धर्म धर्म को बांटने वाली नीति है, और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है कि कानून, बहुत सारे कानून के जानकारों ने इसकी मुखालिफत की है, खुद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो है वो भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, विपक्ष तो कर ही रहा है, उसके बावजूद भी ये जो सत्ता में के नशे में बैठे योगी जी जो है वो मतलब अपने आप को न जाने क्या ही समझ रहे हैं। देखिए सत्ता आती है जाती है, इस तरह की नीति अपनाने से मुझे टेंपरेरी फैसले पर को रिविजिट करना चाहिए एक बार। अनिल जी, जी पूर्णिमा जी, हमारी तो मांग ही है कि सरकार इसको रिविजन करे और इसको स्पष्ट कर दे कि मैं केवल मुजफ्फरनगर के कांवड़ मार्ग पर नहीं, पूरे देश में आप ये लिखवा दीजिए सभी भोजनालयों पर कि ये शाकाहारी भोजनालय है, ये मांसाहारी भोजनालय है, इसमें फल और रेहड़ी वाले बेचारे केले वाले कहाँ से आ गए, ये तो पूरे देश के लिए होना चाहिए, केवल एक जिले में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रशासन का फैसला, इसकी समीक्षा हो और पॉइंट टेकन, प्रशासन के फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। चक्रपाणी महाराज जी 20 सेकंड दे पाऊंगी सर। देखिए मेरा मानना है पूर्णिमा जी, एक तो जितने बड़े मुस्लिम संस्थान है, जो कोई अगर जो मुस्लिम आरती कर देता है या पूजा कर देता है उसको फतवा बार बार जारी कर देते हैं, उन संस्थाओं को आगे आकर के एक तो थूक जिहाद के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए, लव जिहाद के खिलाफ, और ऐसे जो नाम बदल करके वैष्णो ढाबा चला रहे उनके खिलाफ भी फतवा जारी करना चाहिए। ऐसे लोग अगर नाम बदलते हैं तो उनका जो है उनको इस्लाम से खारिज किया जाएगा। पर वो कह रहे हैं कि उनकी आस्था हो सकती है, इसमें दिक्कत क्या है? रिज़वी साहब अपनी बात को पूरा करेंगे। वो कह रहे हैं कि उनकी आस्था हो सकती है, उसमें दिक्कत क्या है? पूर्णिमा जी बात ये है, उसे आस्था से कोई इतराज नहीं है, समस्या ये है कि इनके यहाँ थूक जिहाद को लीगल माना जाता है, रियल माना जाता है, वो हलाल माना जाता है, सही है। जो कांवड़िए हैं, जो पूजा अर्चना करने वाले लोग हैं, वो काफी अवेयर है, वो सब समझते हैं, आप उनमें इंटरफेयर न कीजिए, आप उसमें सियासत न कीजिए, लोग अपना रास्ता तलाश कर लेंगे। और हमेशा से, आज नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है, सनातन धर्म हमारा बहुत पुराना है, इसलिए आज उनको सिखाने की कोशिश न कीजिए, वो खूब अवेयर है कहाँ से खाना है, कहाँ से नहीं खाना है, सिखाने की कोशिश न करिए, अवेयरनेस है, अपना अपना नियम मत थोपिए उन पर।
पूर्णिमा जी, ये इस भावना से ऊपर उठना चाहिए कि सिर्फ मेरा धर्म सबका धर्म मान के चलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से केंद्र में, 7 साल से राज्यों में, कभी वो क्षेत्र धर्म मजहब देकर कार्य नहीं करती है। और मैं तो कह रहा हूँ, समानता के अधिकार का समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो कुछ भी कानून लेकर आती है, जो कुछ भी नियम बनाती है, वो सबके लिए बनाती है। लेकिन मजहबी तुष्टिकरण के लिए राजनीतिक पार्टियां और मजहबी तुष्टिकरण के लिए कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो आग में भिड़ाने का। ठीक है सर, ठीक है।